हम पॉइंट ऑफ व्यू में जाएं कि हाँ फेमिनिस्ट क्रीम डिस्क्रिमिनेशन पॉइंट आउट करती है, तो या इट्स अ पॉइंट, हर इंसान के सोचने का तरीका अलग अलग होता है। जब अगर हम बात करें तो ठीक है, हाँ किसी को इन्फ्लुएंस करने का तरीका, अगर हम एडवर्टाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू में जाएं या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में जाएं, तो ये एक टाइप का पॉइंट है कि हाँ अगर हम ऐसा करेंगे, डिस्क्रिमिनेट करेंगे, उनको कंपैरेटिवली बताएंगे कि यार अगर कोई ऐसा इंसान है और अगर आप इस क्रीम को यूज़ करें तो आप गोर हो जाएंगे, तो एक रहता है ना कि किसी को आप डायरेक्शन देंगे तो वो बिहाइंड चलने के लिए तैयार होते हैं। बट फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ व्यू एक डिस्क्रिमिनेशन होता है, बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि जो गोरा है तो ही विल गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर हस्बैंड्स, बेटर बॉयफ्रेंड्स, एंड ट्रेंडी व्यू ऑफ कॉलेजेस एज इफ यू आर स्मार्ट और लुकिंग गुड इन फैशियल एक्सप्रेशन, दैट्स ऑल द थिंग इज कि हाँ ये डिस्क्रिमिनेट भी करता है और आपको न्यू व्यू भी देता है। सलमान खान ने बोला था, सुष्मिता सेन है वो जो लंबी है, जो ही जस्ट सेड इट दैट लाइक यू नो बी विथ योर सेल्फ, बी विथ वॉट यू आर। If I am short, you are tall, and if I am, you know, I am really dark, and if you are, ऐसे तुम गोरी हो तो it's like कि आप अपने talent, आप अपनी काबिलियत पे खड़े रहते हो, आपको you don't need a fairness cream, और वो है कि if you be good और if you look good, आपका confidence matter करता है। अगर आप अच्छे रहोगे, आप अपने वो एक mentally एक है, अगर आप अपने आप को build up उतना कर सकते हो तो हाँ आप बहुत कुछ कर सकते हो। फिर फेयरनेस क्रीम जस्ट आपको मॉइस्चराइज रखती है, ऐसे उससे कोई कॉन्फिडेंस रिलेटेड नहीं है, इट जस्ट कीप यू मॉइस्चराइज, दैट्स इट। फेयरनेस क्रीम्स की बात है तो मेरे हिसाब से तो डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं बोल सकते, बाकी एक मतलब लोगों को पागल जरूर बनाते हैं लोग, क्योंकि बहुत सारी यूज़ की हमने, ऐसी बात नहीं है, तो इससे कुछ होता तो है नहीं, और मतलब एक बस एक ब्रांड एंडोर्स कर लेते हैं किसी अच्छे बड़े एक्टर को उठा के ताकि ब्रांड चल जाए, और ज़्यादा मतलब इनके रिजल्ट्स जो है देखने को मिलते नहीं इतने खास कुछ, और एक यही है कि बस पागल बना रहे हैं मेरे हिसाब से। मैंने तो कभी ट्राई नहीं करी, बट ये एक वही है कंज्यूमरिज्म वाला चीज़ कि एक इंसान को देख के दो लोग लेते हैं, दो को देख के चार लोग लेते हैं, तो वो कंपनी और ब्रांड एम्बेसडर्स के लिए तो काफ़ी इफेक्टिव है, जो यूज़ करते हैं उनके लिए कितने इफेक्टिव है ये पर्सनल ओपिनियन से ही बता सकते हैं, और मेरे हिसाब से ऐसी कोई क्रीम नहीं बनी है जो किसी इंसान का नेचुरल टोन चेंज कर सके। कि ब्यूटी क्रीम से कुछ होता है, ये तो सिर्फ जो एक्ट्रेस है ये प्रोडक्ट जो अपना एडवर्टाइज कर रहे हैं ये उनकी बनाई हुई मतलब वो है स्ट्रेटेजी, इससे कुछ ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पर उससे क्या होता है कि जैसे एक मेंटेलिटी लोगों की के मतलब ब्लैक पीपल और वाइट पीपल के बीच में डिफरेंस क्रिएट किया गया है ताकि उससे इनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके, और ये एक्ट्रेस और इनको लाते हैं बीच में ताकि इससे उनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, तो मुझे नहीं लगता कि खास ये करता है, बाकी कुछ हद तक करता है, बट इसका एक एक्चुअल में गवर्नमेंट को एक पैमाना करना चाहिए कि हाँ ये एक सर्टिफाइड है, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी या आपको इससे अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। फेयरनेस क्रीम डेफिनेटली फ़र्क तो पैदा करती है, आजकल की जो जनरेशन है वो जो गोरे और काले में ज़्यादा फ़र्क आ गया है, ये फेयरनेस क्रीम जो हीरो हीरोइंस ज़्यादा अपना एडवर्टाइज करते हैं, बेचने एडवर्टाइज करने का तो सबको ही राइट्स है, एडवर्टाइज तो होनी चाहिए, लेकिन ये जो बोलते हैं हीरो हीरोइंस वगैरह जो भी एक्ट्रेस रहते हैं जो प्रूफ करके बोलते हैं कि इससे गोरे हो जाओगे आप, एक महीने का चैलेंज, उस पर कुछ स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए या गवर्नमेंट रेगुलेटरी होना चाहिए ताकि वो ऐसा ना हो कि कंज्यूमर्स को फालतू बेवकूफ़ बनाया जाए।